एक महत्त्वाची बातमी, उद्धव ठाकरेंना केवळ आपल्या मुलाची चिंता आहे असं संजय निरुपम म्हणतात. संजय निरुपम यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. सांसद संजय निरुपम हमारे साथ है. संजय जी, आज आपने एक उद्धव ठाकरे को लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है जय जय महापुत्र माझा, क्या है इसकी मीनिंग? देखिए, महाराष्ट्र का एक बहुत ही पवित्र और लोकप्रिय गीत है जिसमें महाराष्ट्र का गौरवगान होता है और शिवसेना के हर कार्यक्रम में वो गीत गूंजता है और उस गीत के बोल हैं जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. लेकिन उबाठा के प्रमुख ने जिस प्रकार अपने पुत्र मोह का दर्द प्रकट किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके साथ धोखा दिया और उन्होंने एक बार वादा किया था कि उनके पुत्र को वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए ग्रूम करेंगे और चूंकि उन्हें धोखा दे दिया इसलिए उन्होंने कांग्रेस की गोद में जाके बैठने का फैसला किया. तो मैंने कहा कि अब शिवसेना का जो घोष गीत होगा वो जय जय महाराष्ट्र माझा नहीं होगा, अब जय जय महापुत्र माझा होगा. इस बात का इंतजार है कि संजय जी कब पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, कहां पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, कब उनके नाम की घोषणा होगी, कितना इंतजार और करना पड़ेगा जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों के अंदर उत्सुकता बनी हुई है कि मैं कब प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रवेश करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा और उनकी उत्सुकता को दूर की जाएगी. और ये जो लोगों का प्रेम है और लोगों का मेरे प्रति जो एक लगाव है वो लगाव मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही हम्बल कर देता है. कैमरामैन चरण के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई.